गायत्री देवी अपने समय की बहुत ही खूबसूरत महिला थी। गायत्री देवी का ड्रेसिंग सेंस और उनका स्टाइल इतना पॉपुलर था कि बड़े बड़े घरानों की औरतें इसको फॉलो किया करती थी और एक्ट्रेस भी इसको फॉलो किया करती थी। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और उनके जैसे कई सारे बॉलीवुड के हीरो उनकी सुंदरता के दीवाने थे। गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 में हुआ था। गायत्री देवी के पिता का नाम राजकुमार जितेंद्र नारायण था तथा उनकी माता का नाम इंदिरा राजे बड़ोदरा था। उनकी माँ महाराज सयाजीराव की बेटी थी। उनकी शुरुआती शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में हुई थी, जिसमें इंदिरा गांधी भी पढ़ती थी। एक बेबाक पत्रकार खुशवंत सिंह ने बताया है कि इंदिरा गांधी उनकी खूबसूरती और प्रसिद्धि से जला करती थी। बाद में इंदिरा गांधी उनकी बहुत बड़ी दुश्मन बन गई। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक शेर का शिकार किया था और 12 साल की उम्र में ही जयपुर के राजा मानसिंह बहादुर को वह अपना दिल दे बैठी। जब गायत्री देवी 16 साल की हुई तो राजा मानसिंह ने उन्हें शादी के लिए पूछा और उन्होंने हाँ कर दी। वह उनसे 9 साल बड़े थे और उनकी 2 शादियाँ भी हो चुकी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने उनसे शादी कर ली और उनकी तीसरी पत्नी बनी। लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में आने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग एक स्वतंत्र पार्टी से इलेक्शन लड़ा, जिसमें कुल वोट 2,46,516 थे। उसमें से उन्होंने 1,92,909 वोट पाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इतनी बड़ी जीत के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उस समय गायत्री देवी मुंबई में अपना इलाज करा रही थी, इसलिए वह बच गई। लेकिन जैसे ही वह दिल्ली पहुंची तो उन पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। उन्हें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के तहत जेल में डाल दिया गया और उन्हें 6 महीने की सज़ा हो गई। गायत्री देवी की किताब ए प्रिंसेस रिमेंबर मेमोरी ऑफ द महारानी ऑफ जयपुर के अनुसार जेल में उनसे अमानवीय व्यवहार हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेल में 6 महीने रहकर बच्चों को पढ़ाया। 6 महीने के बाद वह पैरोल पर बाहर आई और इंदिरा गांधी से उनकी आजीवन दुश्मनी बनी रही, लेकिन इसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। गायत्री देवी की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।